इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब फिजिकल यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर सी ऑप्शन 21% होना चाहिए, 21%। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज बीइंग कैलकुलेटेड बाई मेजरिंग वाई एंड जेड एंड यूजिंग द फॉर्मूला एक्स इक्वल टू वाई एंड जी जेड इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू। द वैल्यू ऑफ वाई इज मेजर्ड विद इन विद अन एरर 10% वेयर एज वैल्यू जेड इज मेजर्ड विद एरर ऑफ -10%। फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स विल बी। अब यहाँ पे हम एरर का फॉर्मूला जो होता है ना डेल्टा, मतलब छोटा वाला जो स्मॉल एरर के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना वो नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरर बहुत बड़ा है, लार्ज, 10% यहाँ पर, -10% यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से हम जेड का एरर निकालेंगे। कैसे, आप देखिए, सॉरी, एक्स का एरर निकालेंगे। एक्स इक्वल्स टू क्या है, वाई इंटू जेड। वाई में कितने का चेंज आया है, वाई में चेंज आया है वाई प्लस वन प्लस 10/100, 10% बढ़ गया, इंटू जेड वन, जेड वन ये कितना आया है, 10, क्योंकि हमें प्लस माइनस में बताना है इसलिए हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया वाई जेड और ये कितना हो गया, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 110 इंटू 110/100। और इस वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू 121/100, यानी कि 1.21% एक्स, मतलब एक्स जो है ये 1.21% हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें चेंजेस की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट का चेंज आया ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ये अलग हो गया है, ये डिफरेंट है ना। तो कितने का चेंज आया भाई, 1.21 है ना डिवाइडेड बाई 100, 1.21 डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई 100 नहीं, 1.21 100 से डिवाइड करने के बाद ही आया है। तो कितना, 1 था पहले, कितना हो गया 0.21 का चेंज आया, यानी कि कितने परसेंट का चेंज आया, 21% का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।